साल था 1987। पंजाब का माहौल कुछ ठीक नहीं था। 1973 में खालिस्तानी मूवमेंट, 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे पंजाब में डर का माहौल था। किसानों ने रात को खेतों में जाना छोड़ दिया था। अखबारों में एनकाउंटर्स की खबरें आती रहती थी। पंजाब के नौजवान घर से गायब हो रहे थे, जिसमें अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर पंजाब के तीन जिलों के नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन ये गुमशुदा लोग कहां जा रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था। नहरों में युवाओं की लाशें मिलती थी और शमशान घाटों में अंतिम संस्कार बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। यहां तक कि पंजाब पुलिस को देखकर अगर कोई भी शख्स भागता था तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1984 से लेकर 1995 तक सिर्फ शक के आधार पर ही पुलिस ने काफी एनकाउंटर किए। बहुत से मामलों में पुलिस लड़कों को उठाकर ले जाती थी, झूठा केस बनाती थी और उनकी रिहाई के बदले लाखों रुपए मांगती थी और नहीं मिलने पर फट से उन्हें ठिकाने लगा देती थी। लेकिन क्यों ये एनकाउंटर हो रहे थे, ये पंजाब में सभी को अच्छे से पता था। इसी पूरी कहानी के ऊपर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 95 आ रही है, जिस पर सेंसर बोर्ड ने कट्स लगाने की मांग की है और ये जसवंत सिंह खालरा की जीवनी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन कौन थे जसवंत सिंह खालरा, इसी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। कहानी साल 1992 की है, जब अमृतसर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बतौर डायरेक्टर काम करते प्यारा सिंह नाम के एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, जो अपने किसी रिश्तेदार के पास उत्तर प्रदेश गए हुए थे। परिजन और परिचित उनकी तलाश करने लगे, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। फिर बैंक में उनके सहकर्मी डायरेक्टर रहे जसवंत सिंह खालरा को पता चला कि प्यारा को पुलिस ने एनकाउंटर में ही मार दिया और अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर शमशान घाट में बिना किसी को बताए उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। फिर बैंक में उनके सहकर्मी डायरेक्टर रहे जसवंत सिंह खालरा को यह पता चला कि प्यारा को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया और अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर शमशान घाट में बिना किसी को बताए उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो खालरा अकाली दल की ह्यूमन राइट्स विंग के चेयरमैन जसपाल सिंह ढिल्लो भी उनके साथ शमशान घाट पहुंचे। अंतिम संस्कार के लिए रोज लाई जाने वाली 8 से 10 लाशों में से हर एक के नाम की जरूरी जानकारी मिलना तो मुश्किल था, लेकिन जसवंत सिंह ने शुरुआती रजिस्टरों की जांच में पाया कि साल 1992 में दुर्गियाना मंदिर शमशान घाट में 300 से ज्यादा बेनाम लाशों का अंतिम संस्कार किया गया था। दूसरी जगह भी पुलिस द्वारा इसी तरह लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार की बात सामने आई तो जसवंत ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की। इसे कोर्ट के सामने आने का अधिकार नहीं बताते हुए कोर्ट ने तुरंत ही इसे खारिज कर दिया। इसके बाद हार नहीं मानने वाले जसवंत सिंह खालड़ा अमृतसर के अलग अलग शमशान घाट गए, जहां उन्हें सीधा रिकॉर्ड तो नहीं मिला तो वहां उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए खरीदी हुई लकड़ी का हिसाब लगाया। 16 जनवरी 1995 को अकाली दल की ह्यूमन राइट्स विंग ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जसवंत की जांच में सामने आए साल 1984 से 1994 के बीच पट्टी में 400, तरनतारन में 700 और दुर्गियाना में 2000 गैर कानूनी अंतिम संस्कारों के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। इसके बाद 2 दिन बाद अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक DGP KPS गिल ने यह दावा किया कि जिन युवाओं के लापता होने की बात खालड़ा कर रहे हैं वो तो देश छोड़कर भाग गए हैं और विदेश में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर नौकरियां कर रहे हैं। फिर 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालरा अपने घर के बाहर गाड़ी धो रहे थे तो वहां आए कुछ लोग उन्हें अपने साथ ले गए। मौके पर मौजूद गवाहों ने यह बताया कि वो लोग पुलिस अधिकारी थे, हालांकि पुलिस ने उस वक्त ऐसे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। फिर 27 अक्टूबर को जसवंत सिंह खालरा का शव सतलुज नदी में हरी के पतन में मिला। परिवार और करीबियों ने ऐसी संदिग्ध अवस्था में हत्या की जाँच के लिए CBI की मांग की। 1996 में CBI ने यह पाया कि खालड़ा को किडनैप करने के बाद कुछ समय तरनतारन के एक पुलिस स्टेशन में उन्हें रखा गया था। साथ ही उनकी किडनैपिंग और मर्डर के आरोप में पंजाब पुलिस के 10 अधिकारियों का नाम दिया। CBI जांच के करीब 9 साल बाद कोर्ट ने पंजाब पुलिस के 6 अधिकारियों को दोषी पाया और 7 साल की सजा सुनाई। 2007 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन 6 में से 4 आरोपियों की सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया। दोषी पुलिस वालों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, जहां 2011 में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सजा को बरकरार रखा। इस वक्त जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर खालड़ा इस मजलूमों की इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। बहरहाल, आपका इस पूरी कहानी पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।